मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार। दलित समाज के 250 हिंदू परिवारों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया है। बताया जा रहा है कि हिंदू धर्म त्याग करने की जो वजह है वो दलित समाज के साथ जातिवाद हो रही थी। दरअसल स्वर्णों ने दलित समाज के कुछ युवकों के साथ मारपीट की थी और दलित समाज इस मारपीट के संदर्भ में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा था ताकि उन्हें न्याय मिल सके, मगर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होने की वजह से नाराज करीब 250 दलित हिंदू परिवारों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। यही नहीं, इन परिवारों ने अपने घरों में हिंदू देवी देवताओं के जो तस्वीर और मूर्तियां लगी हुई थी उन तस्वीरों और मूर्तियों को नदी में विसर्जित भी कर दिया है। दरअसल ये पूरा मामला राजस्थान के 12 जिले का है। मामला सामने आने के बाद सीएम ने इस पूरे मामले में जिले के प्रशासनिक और पुलिस अफसरों से रिपोर्ट भी मांगी। 4 दिन तक तो मैंने लगातार आरती की है, उसकी 4 दिन तक तो भेदभावना उत्पन्न नहीं हुई। उसके बाद जैसे कि 9 के दिन शाम को आरती के टाइम भेदभावना हुई तो मैं वहां से उठ के आ गया कि ग्राउंड सरपंच वहां भी आया, मैंने देखा है कि हाँ, उसने देखा कि कल देखूंगा तेरे को, जाति पाति का भेदभाव उत्पन्न करके उन्होंने मेरे साथ, पता नहीं कि मेरे को ये मालूम नहीं था कि ये मेरे साथ धोखा करेंगे या मेरे साथ लड़ाई करेंगे, ये मेरे को मालूम नहीं था कि ऐसा होगा मेरे साथ। मैं दुकान से घर जा रहा था, तो मेरे को अचानक रास्ते में रोक कर लालचंद और राहुल शर्मा, मेल राहुल, उसने मेरे से और लालचंद के पकड़ा के धोखे से मारपीट करवाई, नपके करवाई। काय के मारी आपके? लाठी की मारी, दारियों की मारी, सबकी मारी है, कुल मिला के अंदर ही घाव है मेरे। किस किस ने मारा? राहुल शर्मा और लालचंद लोरा। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गए आप? थाने में गए थे रिपोर्ट दर्ज करवाने और वहाँ पे मेरे को ये पता नहीं, मैंने रिपोर्ट भी दर्ज करवाई और ये अभी तक उसका कोई मेरे को पता नहीं है कि कैसे हुई, मुलजिम कैसे गिरफ्तार हुआ नहीं हुआ, मेरे को अभी तक भी मालूम नहीं है। मैं चल ही रहा हूँ, भाग दौड़ कर रहा हूँ, कुछ नतीजा नाम जीरो निकल रहा है। तुम्हारा नाम तुम्हारा तो बहुत ज्यादा खून पड़ा था, किसने मारे आपके घटों के? मेरे राहुल सरपंच ने लकड़ी की मारी, जिसे इन्होंने फोन किया मेरे पास इसके पास किया तो हम आए, ये थोड़ा दुकान पर रुक गया, मैं आया तो मैंने कहा मत मारो तो जान से मार दोगे क्या, तो उन्होंने कह रहे बहन चो चमारे तेरे औकात क्या, तुम बोल क्यों रहा है, जो बगल में लकड़ी लगी तो राहुल सरपंच लकड़ी की मेरे बहुत जोर से मारे थे फोन पर, तो अभी तक फिर मैं बेहोश हो गया, मेरे कोई पता नहीं है। राहुल शर्मा को क्या अभी तक गिरफ्तार किया है या नहीं किया? अभी नहीं किया उसको, उसके कार्रवाई कोई नहीं कर रहा है अभी। क्यों नहीं कर रहा? उसके आगे तक पहुंचे या हमारे गरीब आदमी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अबे भगाने की ओर बोल रहे हैं? भगाने की बोल रहे हैं। कौन बोल रहा? धमकियां दे रहे हैं राहुल सर पे। क्या कह रहा? क्या इस गांव में नहीं रहने देंगे तो आप धमकी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवा सकते हो? कब करवाओगे? करवा देंगे। कब दी थी धमकी? कब दी थी राहुल? 4-5 दिन हो गया करीब। अच्छा,